दोस्तों सेकंड T20 मैच आज कितने बजे शुरू होना है, क्या बारिश होगी, पाकिस्तानी टीम में क्या तब्दीलियां होंगी, इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। मगर आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो आखिर तक देखें। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी टीम में बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक, उमर रिजवान, शदाब खान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, दोस्तों ये तमाम वो खिलाड़ी हैं जो इस मैच में यकीनन खेलेंगे। अब उनकी बात करते हैं जिन पर काफ़ी डाउट्स हैं, जैसे कि खार अहमद, चूंकि उनको पिछले मैच में बैटिंग नहीं मिली, उन्होंने बॉलिंग की, कवर किया, 7 रन दिए, 1 विकेट भी ली मॉर्गन की। सो बहुत से क्रिकेटर्स कहते हैं उनको एक और चांस देना चाहिए, मगर हमारे सीनियर क्रिकेटर्स जैसे रमीज राजा, वसीम अकरम, शुएब अख्तर, इस तमाम क्रिकेटर्स कहते हैं कि हैदर अली को चांस देना चाहिए, क्योंकि पूरा टूर उनको वैसे ही बिठाई रखा आपने, अब एक T20 मैच लाजमी देना चाहिए उनकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, इंग्लिश कंडीशंस के अंदर वो कैसे खेलते हैं। मगर अब ये टीम मैनेजमेंट पे है कि वो क्या फैसला करते हैं, इफ्तिखार अहमद को खिलाते हैं दोबारा या हैदर अली को। और सेकंड, हारिस रऊफ की जगह वहाब रियाज, चूंकि हारिस रऊफ ने काफ़ी बुरा स्पेल किया, 3 ओवरों में 32 रन दिए, यानी 10 के रन रेट से, जो कि इंतहाई तकलीफ देता पाकिस्तानी टीम के लिए। सो विकी वहाब रियाज वापस आएंगे टीम में, और ये दो बड़ी तब्दीलियाँ हो सकती हैं। एक तब्दीली का कोई कन्फर्म नहीं है, जैसे हैदर अली और इफ्तिखार अहमद की जगह हैं या ना हैं, और विकी लाजमी आएंगे रूफ की जगह। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करें ताकि ये लेटेस्ट मैच जो आज होगा उसके रिलेटेड तमाम न्यूज़ आपके पास वक्त पे पहुंच सकें, और बेल को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले वीडियोस आपके पास पहुंचे। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।